हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका एक सीनियर हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम से आता है, तो अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तुम क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में। आई ट्राई टू हेल्प देम। बाकी मेरे इंस्टा पर जाके भी पूछ सकते हो, जो मन करे तुम कर सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प। अब ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ठीक ठाक फॉर्म कर रहे हैं, उनको लगता है उनका काम चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स उनकी एकदम वाट लगी हुई है, बायो केमिस्ट्री ठीक है, फिजिक्स बहुत खराब है। उनके लिए एक प्लान लेके आया हूँ मैं, 4 दिन का प्लान है। इसमें तुम्हें करना क्या क्या होगा, पहले इस बात को समझो कि पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। तुम्हें 100 नंबर लाने हैं, लगभग 35 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ईजी क्वेश्चन होते हैं। ईजी एज इन फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा तुम्हें। चलो 35 नहीं, 30 तो होंगे, 30 होंगे ना। 30 × 4 कितना होता है, 120। अभी भी तुम्हारे पास स्कोप है, तुम और इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तुम इसमें से और क्या, 2 क्या 5 क्वेश्चन और छोड़ सकते हो। लेट से तुम 25 क्वेश्चन करके आओगे, गलत एक भी नहीं करोगे, 25 सही क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। कुछ होप मिला, 100 नंबर आ रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको आराम से तुम कर सकते हो। करना क्या है इसके लिए, तुम्हें वन शॉट वीडियो देखने हैं। वन शॉट तुम्हें किसी भी अच्छे टीचर का उठाना है, अलग सर है, एमआर सर है, और भी होंगे तुम्हारे टाइम पे, आई डोंट नो। तुम खोज के जिसका अच्छा लगता है उठा लो, देख लो। पीवाईक्यू करने हैं। अब तुम्हें 4 ही देना है तुम्हारे पास, तो 4 दिन में तुम क्या कर पाओगे पीवाईक्यू, सिर्फ एक टाइप का एक ही पीवाईक्यू कर पाओगे। उससे बस तुम्हें दिमाग में डाल लेना है कि अरे ऐसे 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 वैल्यू डाल के निकालते हैं, टफ वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, टफ वाले क्यू पीवाईक्यू जाए भाड़ में। फिर हमारे पास बचता है रैपिड रिविजन सीरीज। ये ना कुछ क्वेश्चन कराने वाले, मतलब टीचर बैठे हुए खाली वो क्वेश्चन कराते जाते हैं, क्वेश्चन कराते जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं वो लोग। उससे फायदा तुम्हारा क्या होगा कि खाने के टाइम पे उसको तुम देख सकते हो, खाने के टाइम पे देख रहे हो, कुछ आइडिया मिल रहा है ना कि सॉल्व कैसे हो रहा है, सॉल्व कैसे हो रहा है, इसका आइडिया मिलेगा। इससे तुम्हें आसानी होगी नीट में। अब कौन कौन सा चैप्टर इस पर तुम फोकस कर सकते हो और कौन कौन सा जाने दे सकते हो। तुम्हारे पास यूनिट एंड डायमेंशन है, इसको तुम आराम से कर सकते हो, बहुत आसान चैप्टर है। वन शॉट करके देखोगे तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन काम बन गया। तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स तुम्हारे पास वन शॉट देखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे पास 3 से 5 क्वेश्चन फिर हो गए। फ्लूइड के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चलो 3 से 4 नहीं, 3 से 4 अगर नहीं तो 2 होंगे, 2 क्वेश्चन कर सकते हो। ग्रेविटेशन में भी इसी वाले, 2 नहीं 1 होंगे, चलो 1 कर सकते हो। थर्मो में 2 हैं, केटीजी में, ऐसे ऐसे करके इतने सारे क्वेश्चन है तुम्हारे पास। लगभग ये टोटल आता है 35 क्वेश्चन के आसपास। लेट से 35 नहीं आता है, तुम्हारे पास कितना आता है, 25 ही आता है। 25 में तुम्हारा हो जाएगा ना, 100 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हें इस पर फोकस करना है अभी। और ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, तुम एक बार ट्राई करके देखो, एक दिन में तुम 2 चैप्टर 3 चैप्टर निपटाओ, 4 चैप्टर निपटाओ, 4 दिन में आराम से हो जाएगा। 100 नंबर लाना, लोग 180 ला रहे हैं ना, बात समझो, 180 ला रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना, तुम्हें उसे 25 करने हैं, कितना टफ हो सकता है। तो 20 क्वेश्चन तुम्हारे पास छोड़ने का ऑप्शन है। तो एक क्वेश्चन आता होगा, अगला नहीं आता होगा, तुम्हें फिर भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। 45 में 45 करने वाले को कितनी टेंशन है कि एक भी क्वेश्चन वो उसको नहीं आता हुआ नहीं होना चाहिए। तुम कितना कम प्रेशर समझ रहे हो, तुम एक क्वेश्चन आता होगा, अगला नहीं आता होगा, अगला आता है हाँ ठीक है, अगला नहीं आता अगला आता है हाँ, प्रेशर तुम पे कितना कम है। तो इस ना प्रेशर होने का फायदा तुम उठा सकते हो बाय डूइंग, अगर तुम्हें क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जिनको अभी या तो उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है पहली चीज कि पापा हैं भैया करा देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हैं तो क्यों ना करें, प्राइवेट कॉलेज भी तो कॉलेज है ना, तो क्यों ना करें। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं जिनको MBBS नहीं किसी और सेगमेंट में जाना है, उसके लिए भी नीट चाहिए उनके, तो उस वाले के लिए हो सकता है ये, तो कुछ और भी प्लान है, तो सारे प्लान्स के लिए अलग अलग मार्क्स चाहिए तुम्हें, तुम्हें कम मार्क्स पर तुम्हें सेटिस्फेक्शन है तो उनके लिए है। अगर तुम्हें लेट से तुम्हारे पास 100 नंबर आते हैं तो तुम 100 में से कितना मैक्सिमम जा सकते हो, अगर 360 में से 350 ला दिए, 350 ला सकते हो, मुश्किल नहीं यार बायो, ये तो कर दो, फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो कुछ तो पढ़ोगे उतने दिन में, 350 ला दिए। 150 नंबर फिजिक्स में लाना कोई, मैं सॉरी केमिस्ट्री में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो तुम तो ऑलरेडी 500 वाले पे आ चुके हो भाई, ऑलरेडी 500 पे आ चुके हो। ये अगर फिजिक्स तुम्हारी बहुत खराब है तब भी तुम 600 के रेंज में आ जाओगे, समझ रहे हो, तो तुम इतने में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। थोड़ा सा और बढ़ा दो, लेट से 20 नंबर और बढ़ा दिए, तुमने 30 क्वेश्चन कर दिया, 20 नंबर और बढ़ गए तुम्हारे 620, तुम भाई गवर्नमेंट में आ चुके हो, GMC में आ चुके हो। तो बस होप्स रखो, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो क्या ही टेंशन है भाई, तुम लोग अच्छा करोगे, टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट के टाइम पे कोई अपना मटेरियल चेंज नहीं करेगा,
जो फॉलो करते आते हो उससे स्टिक करो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.